आपके द्वारा जो है एक गोदाम की नींव रखी गई है, क्या है ये पूरा गोदाम का प्रोसेस? गोदाम का प्रोसेस देखिए, मेरा घर सिमली बख्तियारपुर ही है, लेकिन हम 2003-04 में यहाँ से गुलाब बाग चले गए, तो वहाँ पे रहने लगे, वहीं अपना व्यापार देखने लगे। वहाँ पर व्यापार हमारा जो है मल्टी सिटी कंपनी बियर हाउसिंग का ज़्यादा है और रैक का भी है। तो मल्टी सिटी कंपनी बियर हाउस जब हम गुलाब बाग में बनाते हैं, भवानीपुर में बनाते हैं, बथना में बनाते हैं, अररिया ज़िला में, तो यहाँ से गांव का, सहरसा ज़िला का, सिमली बख्तियारपुर का लोग कमेंट करते थे पहले यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कि आप दुनिया के लिए इतना चीज़ किए, किसान को फ़ायदा होता है, तो आपने अपने गाँव के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। तो फिर मैं इस बार अपने गांव के लिए बहुत बड़ा मल्टी सिटी कंपनी का जो बियर हाउस मल्टी सिटी कंपनी लेते हैं 3 लाख बोरा का, ये गोसपुर पंचायत में खोले हैं। आज उसका पूजन था, भूमि पूजन, और ये इस सीजन में 3 महीना में बनकर तैयार हो जाएगा। 2024 अप्रैल में ये चालू होगा। इससे मल्टी सिटी का मतलब ये हुआ कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनी मल्टी सिटी को बियर हाउस बना के लोन बैंक से उठा के उसको हाईजेक कर लेते हैं कंपनी को, और हमारा उसका बीच कॉन्टेक्ट होता है, वो हमको 1% कमीशन देता है, और कंपनी खुद आके, जैसे गोसपुर है तो गोसपुर धाप चानन सिसबा इस एरिया का पूरा अनुमंडल जाके कंपनी सर्वे करती है, और सर्वे करके किसान से सीधा संपर्क में आ जाता है। हर रोज किसान के मोबाइल में यहाँ गेहूँ मक्का धान जो भी बियर हाउस में आएगा ये 3 लाख बोरी में, तो उसका भाव किसान को सीधा जाएगा, और किसान को इससे ये बेनिफिट होगा सिमली बख्तियारपुर अनुमंडल को, वो सीधा कंपनी को बेचेगी, पेमेंट मेरे थ्रू आएगा, लेकिन रेट इसको कंपनी देगी जो बाजार से, अभी जैसे बख्तियारपुर है तो बख्तियारपुर बाजार से और कंपनी में 40 से 50 रुपया कम से कम कुंटल का डिफरेंस रहेगा। 30 रुपया तो निश्चित है, 30 से 50 रुपया कुंटल ज़्यादा मिलेगा कंपनी में, तो इस एरिया के अनुमंडल में किसान को फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। तो गोदाम के लिए शिला पूजन किया गया है, क्या है ये मामला? मामला है कि अगर यहाँ गोदाम बन जाता है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को, यहाँ के किसानों को बहुत बड़ा असुलियत होगा, सही मूल्य जो है किसान को मिल सकेगा, उचित समय पर जो है अपना फसल बेच सकेंगे। इसके लिए जो है सुरेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा प्रोजेक्ट लाए हैं, इसके लिए यहाँ के लोग तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हैं।